सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम तरह के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अभी हाल में दिवाली के और ग्रहण देखा गया, चंद्र ग्रहण भी है, पर आज हम जिस ग्रहण की बात करने वाले वो ग्रहण अलग तरीके का है। वो ग्रहण है आपके स्वास्थ्य पे ग्रहण, आपके जीवन पे ग्रहण, और ग्रहण करने वाले दो कारक, वो कारक हैं यहाँ पर डेंगू और दूसरा प्रदूषण। यानी डेंगू और प्रदूषण आपके स्वास्थ्य पर लगा रहे ग्रहण। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बताते हैं। आंकड़े कैसे कि हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक 80,000 से ज़्यादा मामले देश भर में इसमें डेंगू के चल रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। अगर मौतों की बात करें, सबसे ज़्यादा मौतें केरल में हुई हैं, 60 से ज़्यादा लोग डेंगू के कारण मर चुके हैं। इसके अलावा जो आंकड़े हैं प्रदूषण को लेकर भी दुखद हैं कि लगातार पराली जलाने को लेकर और फैक्ट्रियों का धुआं, वाहनों का धुआं हर शीतकाल में यानी सर्दी की शुरुआत में एक अलग तरह का माहौल बना देता है, वो बना देता है स्मॉग, और ऐसा स्मॉग जिसमें AQI 500 से ऊपर चला जाता है, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 100 से नीचे ही आपके स्वास्थ्य के लिए मुफीद माना जाता है, यानी 100 से नीचे है AQI तभी बेहतर है, तभी आप खुली हवा में एक अच्छी सांस ले सकते हैं। पर जब AQI 150, 200, 300 और 400 से ऊपर चला जाता है तो AQI होता है जानलेवा, और इस जानलेवा का प्रदर्शन आप दिल्ली में देख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को, केजरीवाल सरकार ने वर्क फ्रॉम होम और छोटे बच्चों के स्कूलों को बंद करा दिया है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कोरोना जैसा माहौल। हालांकि यहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ पर है नाकामी। नाकामी यहाँ पर है सरकार की, नाकामी यहाँ पर है व्यवस्थाओं की, नाकामी यहाँ पर है योजनाओं की। हर बार पराली जलाई जाती है, हर बार प्रबंधन में फेल होते हैं, हर बार जो धुआं होता है वो स्मॉग के रूप में पूरी तरह फैल जाता है, और ऐसा धुआं जो कि जानलेवा हो चुका है। AQI 500 यानी आप खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, और 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल दमे की बीमारी और तमाम बड़ी बीमारी शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये आंकड़े हम नहीं, ये आंकड़े जो मृत्यु दर है उसको बढ़ाने वाले आंकड़े हैं, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, ये आंकड़े मेरे आंकड़े नहीं हैं। हर बार पानी गिरता है, बारिश हर बार आती है, और हर बार प्रबंधन की पोल खुल जाती है, और ये प्रबंधन केवल केवल यूपी में नहीं, दिल्ली, केरल और तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर डेंगू के बहुतायत मामले चल रहे हैं, और खामियाजे भुगतती है यहाँ की जनता, वो जनता जिसको जनार्दन कहा जाता है पर केवल वोट के समय, और वही जनता यहाँ पर अब काल का ग्रास बनती नजर आ रही है। अगर हम बात करें बड़ी बड़ी राजधानियों की तो हालत खराब है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी प्रदूषण और डेंगू दोनों ने पैर पसार रखे हैं और जीना दूभर है। बाद उत्तर प्रदेश यानी देश का सबसे बड़ा राज्य, और वहाँ पर भी डेंगू के मामले राजधानी में लगातार कई क्षेत्रों बढ़ रहे हैं। बेड है, व्यवस्था है, इलाज चल रहा है, पर डेंगू क्यों बढ़ रहा है? नाकामी सिस्टम की। सरकार योजना बनाती, सरकार आदेश देती है, सरकार निर्देश देती है, और उत्तर प्रदेश के अगर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लगातार सक्रिय हैं और जा जाकर लोगों को देख भी रहे हैं, इलाज की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, पर जो अधिकारी हैं उनके नाक पर जू भी नहीं रेंगती है। खामियाजा, लोग डेंगू से पीड़ित हैं, मृत्यु भी हो रही है, हालांकि मृत्यु का आंकड़ा उतना नहीं है, पर जो हो रहे हैं वो परेशान हैं। हमेशा संक्रमण फैलती है, हमेशा वायरल बुखार फैलता है, पर हमारे यहाँ के अधिकारी उनसे तनक भी सबक नहीं लेते हैं, क्योंकि बरसात हर समय होती है। देश में मौसम जो व्यवस्था है 4 मौसम की, वो हमेशा चलती रहती है, क्यों नहीं लेते हैं और क्यों इन व्यवस्थाओं पे काम नहीं होता है और खामियाजा आम जनता भुगतती है। हम मेहमान से जुड़ चुके हैं, चर्चा शुरू कराते हैं। नेता भाजपा से विवेक श्रीवास्तव भाई अपना पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, मोहम्मद सैयद मोहम्मद तकी भाई आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, और समाज सेवी के रूप में प्रसिद्ध समाज सेवी विवेक शर्मा भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल रहेगा वो विवेक भाई से रहेगा। विवेक भाई,
स्वास्थ्य मंत्री बहुत सक्रिय हैं, बहुत तेजी से जाते भी हैं और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का समीक्षा भी करते रहते हैं। हर बार पानी गिरता है, हर बार भरा होता है, हर बार लार्वा किया जाता है, हर बार फॉगिंग की जाती है, पर फिर भी बीमारी को नहीं रोक पा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर समय पर हम चीज़ें कर लें तो शायद बीमारी उतनी नहीं फैलेगी जितनी फैलती है। हालांकि चूंकि अब मौसम बदलाव होता है तो बीमारी फैलना लाजमी है और हर जगह होता है, पर अगर हम कुछ तैयारी पहले से कर लें तो शायद कुछ परिणाम बेहतर आ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे गौरव जी? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने डिबेट रखी है जी। लोगों के स्वास्थ्य के विषय में आपने बड़ी अच्छी चर्चा करी है जी। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो विज्ञापन होते हैं जी कि फॉगिंग कराई जा रही है जी, या डेंगू हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, जो लार्वा एंटी लार्वा का छिड़काव करते हैं जी, तो कहाँ होता है, किस जगह होता है? अभी भी कहा गया था जी कि नगर निगम पर डे कराएगी जी, प्रतिदिन कराएगी, क्योंकि डेंगू के मामले बहुत बढ़ रहे हैं जी। दिन में दो बार कराने के लिए भी बोला गया था जी, लेकिन आज तक कितनी जगहों पर छिड़काव हुआ, कितनी जगहों पर फॉगिंग हुई, ये आपके सामने है जी। ये पूरा सिस्टम ही फेलुअर है। अच्छा, जब आंकड़े बढ़ जाते हैं, मौतें बढ़ जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, नेता लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने चले आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, चाहे वो प्रेजेंट टाइम की जो हमारी सरकार चल रही है, केवल और केवल आश्वासन ही मिलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी दो तीन दिन पहले ही की बात है और बड़ा चल रहा है वीडियो, हमारे डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि डेंगू के मामले में बड़ी कार्रवाई करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? मच्छरों के ऊपर। भाई आपको कार्रवाई करनी है तो आप सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर करिए, उसके ऊपर कोई नहीं करता। अच्छा, उनको बचा लिया जाता है भाई, पर यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं सर, कि अगर अगर आपके यहाँ फॉगिंग नहीं हो रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है। हम आज के समय में सोशल युग में जी रहे हैं और सब चीजें ट्विटर पर और तमाम नंबरों पर उपलब्ध है, आप देखते हैं। तो अगर किसी के नहीं हो रही है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी नागरिक की है। दूसरी मेरी बात यह है कि प्रत्येक वार्ड में पार्षद है, तो क्या मानते हैं पार्षद की जिम्मेदारी नहीं है? केवल चुनाव के समय आप वोट मांगने आते हैं, क्या अपने बाढ़ की जिम्मेदारी उन प्रतिनिधियों की नहीं है जिनको पार्षद के रूप में बैठाया गया है सदन में? क्या केवल ये जिम्मेदारी हम सरकार या अधिकारी पर ही थोपेंगे? ये जिम्मेदारी पार्षद की भी है, तो कहीं ना कहीं फेलियर उनका भी है ना विवेक भाई? सर मैं वही तो बता रहा हूँ, कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। अच्छा, जन सेवक जितने भी बनते हैं जो कहते हैं कि हम जन सेवक हैं, कितना जनता का काम कर रहे हैं जी? कोई विधायक हो या पार्षद हो जी, कहां पर फॉगिंग करा रहा है? शंकरपुरवा वार्ड की बात ले लीजिए, अभी मैंने ही करवाई वहां पर फॉगिंग, वहां हो नहीं रही थी। जोन 7 का मामला था, वहां के पार्षद है समाजवादी पार्टी का। अच्छा, साहब वो लगातार कह रहा है, बार बार बोल रहा है जी कि हमारे फॉगिंग करा दिया जाए, एंटी लार्वा का छिड़काव करा दिया जाए, नहीं सुना नगर निगम ने। अच्छा, जब हमने इस बात को मुद्दा बनाया और हमने आप लोगों के माध्यम से जब उनके पास प्रचारित प्रसारित हुआ, तो नगर निगम ने वहां पर 2-3 दिन लगातार लग के और वहां पर फॉगिंग करा दिया। तो क्या जो जिम्मेदार आवाज उठाएगा केवल उसी के यहाँ होगा? जी बिल्कुल भाई, जिम्मेदारी किसकी बनती है भाई? सरकार ने तो सारे चीजें आपको उपलब्ध कराई हुई है, आप उसका क्यों नहीं यूज करते? केवल कागजों में ही भरने के लिए रह गया है जी। बिल्कुल, डीजल का पैसा, पेट्रोल का पैसा, उसमें जो जो भी सामान लग रहा है उसका पैसे का तो आप ब्यौरा दे देते हैं कि इतना खर्चा हुआ, लेकिन कहां पर किस जगह पर छिड़काव हो रहा है, किस जगह पर फॉगिंग हो रही है, मुझे नहीं दिखाई देता। अधिकारी काम ही नहीं करना चाह रहे अधिकारी तो सर ये मतलब आप ये समझिए कि इतनी छीछा लेदर करा रहे हैं सरकार की, हमें समझ में नहीं आ रहा। अभी तो निकाय चुनाव है, 2024 का चुनाव आने वाला है, हमको नहीं लगता कि ये लोग अगर अधिकारी चाहें तो बहुत अच्छा काम करके दे सकते हैं, लेकिन ये लोग इस सरकार को फिर दोबारा से आना नहीं देना चाह रहे। अच्छा, ये मुझको लग रहा है। अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है, कोई भी विधायक अपने क्षेत्र के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्यवाही करता ही नहीं, ना ही आगे लिखता भी है जी। हमारा जो उत्तरी क्षेत्र है, इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है भाई साहब, कि सब जगह फॉगिंग शायद हो जाती हो, हमारे क्षेत्र में नहीं होती है। मैं जिस जगह पर रहता हूँ सृष्टि अपार्टमेंट में, अभी तक नगर निगम से मात्र 2 बार फॉगिंग हुई है। ठीक, तो ये जिम्मेदारी, ये फेलियर किसका है? ये फेलियर वहां के जनप्रतिनिधि का है और जो हमारे सरकार में बैठे हुए सिस्टम का है, ये बिल्कुल फेलियर कर दिया है और हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं जी। अभी AQI की बात आप कर रहे थे, 400 पहुंच गया है सर जी, बिल्कुल लखनऊ के एक एरिया में जी 400 पहुंच गया है जी। क्या करवाया जी?
केवल नगर आयुक्त महोदय स्वयं खड़े होकर पानी का छिड़काव करा देते हैं, वो भी कहां बीवीआईपी क्षेत्रों में, वो विकल्प नहीं है सर, वो विकल्प नहीं है, वो भी केवल बीवीआईपी क्षेत्रों का विकल्प नहीं है सर, बाकी क्या सब पिछड़े क्षेत्र हैं, केवल गोमती नगर हजरतगंज यही एक मेन चीज होती है। अरे भाई और भी जगह पर लोग रह रहे हैं, वहां पर भी जरूरत है, लेकिन ये पहले से क्यों नहीं कराया गया आप बताइए। लगातार कहा जा रहा है गोमती को बिल्कुल नाला बना दिया, गोमती नदी एक हमारी जीवन की यहाँ पर एक वो है, उसको नाला बना दिया, 27 नाले गिर रहे हैं उसमें, क्या उस पर कोई किसी ने ध्यान दिया? ठीक है, आज तक किसी उसने नहीं दिया। पॉल्यूशन तो सर सबसे बड़ा मुद्दा है, सुबह आप देखिए तो 30 मीटर का भी आपको आगे का दिखाई नहीं देगा, इतनी फॉग दिखाई देता है। मैं देखता हूं ये पॉल्यूशन का जो मुद्दा है शीतकाल में ही शुरू होता है, जी 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 जी, और उस समय ही सरकारी मशीनरी जो है बड़ी सक्रिय भी हो जाती है, सक्रिय हो जाए तो नहीं मैं यहाँ पर समय ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नहीं गौरव जी, केवल सक्रियता केवल विज्ञापनों तक ही सीमित है, अच्छा अच्छा पेपरबाजी में ही सीमित है, ठीक है, लेकिन धरातल पर नहीं हो रहा है जी। और ये कहीं नहीं हो रहा है, ये कहीं नहीं हो रहा सर, ये पूरे लखनऊ हो रहा है, पूरे लखनऊ में आज तो ये बीवीआईपी क्षेत्र मानते हैं गोमती नगर का, वहां पर भी यही पोजीशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। विवेक भाई, भाई विवेक शर्मा जो समाज सेवी, उनका कहना यह है कि सरकार तो आदेश देती है, योजना अच्छी बनाती है, पर जो अधिकारी है वो पूरा पलीता लगाए हुए हैं और सरकार के जो काम पर बिल्कुल मखौल बना रखा है सिस्टम का, और उनकी जो सक्रियता जो निष्क्रियता दिखा रही है कि सरकार को दोबारा आना नहीं चाहते हैं, सरकार के काम को प्रभावित कर रहे हैं और खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जी गौरव जी, विवेक जी की चिंता से बहुत हद तक जायज है जी, और इनकी चिंता से हम सब सहमत भी हैं जी। तमाम अवसरों पे देखा गया कि सरकार तो काम ठीक से कर रही करना चाहती है जी, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उस तत्परता से आवाज बढ़ाई जाए उस मौके पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, शिकायतें आ रही है जी, चाहे डेंगू हो चाहे वायु प्रदूषण की स्थिति हो, कहीं ना कहीं सरकार सारे प्रयास करने के बाद जनता को अपना बेटर देने में कामयाब नहीं हो पा रही है जी। उसके कारण कहीं ना कहीं अधिकारियों की ढिलाई है जी। और तमाम अवसरों पे सरकार के मंत्री विधायक इस विषय को उठाते भी और पेच कसरे की कोशिश भी करते हैं जी, बिल्कुल, और सरकार का पूरा प्रयास है कि स्थिति में सुधार हो। होता क्या है कि नगर निगम सीमा में इस तरह की छिड़काव की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है जी। और नगर निगम में इस कार्य को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी स्थानीय सभासद की होती है। अब किन कारणों से स्थानीय सभासद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जहां विवेक जी जैसे लोगों को आगे आकर के अपनी भूमिका निभानी पड़ रही है जी। ये सब चीजें बहुत अच्छी रही है जी। अधिकारियों को समय रहते संज्ञान लेना चाहिए, अगर अधिकारी समय रहते संज्ञान लेते जी। तो कम से कम जिस तरह से डेंगू आज पांव पसार रहा है जी। ये स्थिति ना होती, ठीक है जी। इसमें स्थानीय लोगों का भी सहयोग आवश्यक होता है, केवल शासन प्रशासन के दम पे आप डेंगू की रोकथाम नहीं कर सकते। बिल्कुल, डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, साफ पानी हमारे आपके घरों में कूलरों में अगल बगल छतों पे ही पनप रहता है, इसकी चिंता करना हमारा आपका भी दायित्व तो है जी। बिल्कुल, जब भी अपने आस पड़ोस अगल बगल की जगहों पर निगाह रखे जी, हर जगह नगर निगम की पहुंच में नहीं होती है जी। बिल्कुल सही बात है, फिर भी नगर निगम की तरफ से जो सक्रियता अपेक्षित है वो सक्रियता नहीं दिख रही। मैं विवेक जी की इस बात से सहमत हूँ और इसको बहुत जल्दी शासन प्रशासन इसको संज्ञान में ले चुका है और इसमें गति दिखाई देगी, कड़ी कार्रवाई जरूरी है विवेक भाई। जब तक यहाँ पर दंड नहीं आ जाएगा मेरे ख्याल से स्थिति सुधरेगा नाम नहीं लेगी। खैर हमारे साथ नेता सपा विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक भाई, हर बार पानी गिरता हर बार भराव होता है और हर बार संक्रमण फैलता है, और अगर हम 21 और 22 की तुलना करें तो 21 से ज्यादा समय मामले डेंगू के चल रहे हैं और देश भर में है, और देश की राजधानी दिल्ली भी इससे प्रभावित है और साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी प्रभावित है, और जो राजनीति है वो केवल बयानबाजी पर टिकी हुई है। जनता पीड़ित है, जनता परेशान है, पर सरकार को कोसने के अलावा और कोई आरोप प्रत्यारोप की अन्य व्यवस्था नहीं दिख रही है। यानी जो विपक्ष होता है
जनता उसकी भी है, जनता ने उसको भी यहाँ पर सीटें दी हैं और सदन में बैठाया है, उनकी जिम्मेदारी भी है कि उनको भी आगे बढ़कर मोर्चा संभालना चाहिए, कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव भाई, पहले तो पूरे मंच के उपस्थित सभी सम्मानित पैनलों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ज्वलंत विषय पे आज हम बैठे हैं कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने के लिए। जी बिल्कुल। और ये वास्तविक विषय है कि ये केवल और केवल आज एक राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है। जी बिल्कुल। ये जनमानस के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और इसकी जिम्मेदारी जनता को भी आगे आकर उतनी ही लेनी पड़ेगी जितना कि सरकारों के ऊपर दायित्व का ठीकरा फोड़ा जाता है। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताऊं, जनता पार्षद चुनती है, जनता विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, लेकिन जनता जब काम करने की बात आती है तो सवाल नहीं पूछती। जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि जनता जिम्मेदार है या जनता इतनी जिम्मेदार है कि हम राजनीतिक दलों को इसका जिम्मेदार या जिम्मेदारों को उनके कर्तव्यों से एकदम निर्वहित कर। जी बिल्कुल। लेकिन ये बात सच है कि LDA, उसके बाद नगर निगम, आवास विकास, कुछ ये ऐसी विशेष संस्थाएं हैं जो कि समय समय पे नहीं हर राजनीतिक दलों के शासन काल में कहीं ना कहीं एक चुनौती बनकर के सामने आती हैं। और ये इसलिए भी है क्योंकि ये बात सच है कि जो ये अधिकारियों का एक सिंडिकेट पनप रहा है, जो नगर निगम में बाबुओं का भ्रष्टाचार पनप रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकारों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द होता है। सरकारें फेल क्यों होती हैं? सरकारें कहीं ना कहीं अपने नंबर बढ़ाए रखने के लिए, कर्मचारी संघ को खुश रखने के लिए या अधिकारियों से वसूली का जो एक प्रकरण चलता है उसको मैनेज किए रखने के लिए मौन रहती है। भाई जब आपको पता है कि अधिकारी जिम्मेदार हैं, काम नहीं हो रहा है, सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए, तुरंत निलंबित करिए, बर्खास्तगी करिए, उनसे वसूली करिए ना जी। मुफ्त की तनख्वाह थोड़ी देने के लिए जनता के टैक्स के पैसे। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो आप जहाँ पे 2-3-4 अधिकारियों को सस्पेंड करके जहाँ आप रिकवरी नोटिस जारी कर देंगे ना, एक मैसेज चला जाएगा, जिम्मेदारी यही नहीं होता भाई, यही नहीं होता हमारे देश में, यही देश में नहीं होता। बस दिक्कत जेल ले जाएंगे तो कहीं सुधरेगा? हाँ, बस समस्या क्या है, यही नहीं होता है। एक गुडबुक में जांच बैठती है, केवल जांच, जांच, केवल जांच। बस मुद्दा यह है कि गुडबुक में रहना है। एक जो नाम आपने सुना होगा राज्य कर्मचारी संघ, आज आप किसी कर्मचारी पे कार्रवाई करिए, कल आंदोलन खड़ा हो जाता है जी। तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ विशेष दल हमारे यहाँ सैन्य सुरक्षाओं में आर्टिकल 33 प्रतिबंधित करता है यूनियन बनाने को लेकर के, तो या तो सभी को एक समान एक नागरिक संहिता के अनुसार सभी यूनियन बना ले, और या तो ये जो कर्मचारी दल समय समय पे ब्लैकमेल करते हैं सरकारों को, इनपे भी प्रतिबंधित, इनको भी प्रतिबंधित किया जाए। बिल्कुल भाई, मानवाधिकार हो तो सबके लिए हो, या तो किसी के लिए नहीं हो, सीधी सी बात। दूसरी बात, ये बात सच है कि अभी जो AQI की बात हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे थे 400 पहुंच गया, पिछले साल तो स्थिति ये रही है कि गोरखपुर में ये 938 के पार जा चुका था। और सबसे बड़ी विडंबना सुनिए, AQI की मशीन 999 पे बंद हो जाती है, 999 के ऊपर AQI जो चेक करने वाली सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग की रिसर्च की स्टेशन की मशीन होती है वो बंद हो जाती है। तो हम बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। आज हम उत्तर प्रदेश में बैठ के ना दिल्ली को कोस सकते हैं, ना दिल्ली की सरकारें बैठ करके उत्तर प्रदेश या अन्य सरकारों का सब जगह नाकाम है भाई। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, जो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम अभी उत्तर प्रदेश में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति इसलिए गर्त में जा रही है क्योंकि जिस तरीके से रियल एस्टेट को रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, रियल एस्टेट के नाम पे हजारों पेड़ों को काटने की जो प्रक्रिया हो रही है, और उसी क्रम में जिस तरीके से NGT ने योगी सरकार पे पिछले वर्ष 120 करोड़ का जुर्माना लगाया, उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के मौन के कारण ये लगातार स्थिति बनी हुई है और जनता की नजर में धूमिल किसकी छवि हो रही है? सरकार की छवि हो रही है। जी बिल्कुल भाई, जब सरकार को ही सब करना है, विवेक जी को करना है, योगी जी को करना है, तो ये IAS IPS जो बिठा रखे हैं, किस लिए बैठे? चेयरमैन बोर्ड बना, किस बात के लिए बिठा रखे हैं? जी बिल्कुल, इसको बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए भाई। विवेक श्रीवास्तव जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं को चेयरमैन बनाइए उठा करके, इनको बोर्ड का हिस्सा बनाइए, कम से कम ये लोग तो काम करना जानते हैं, जनता के बीच रहते हैं। जी बिल्कुल। तो आज सवाल ये है, IAS लॉबी PCS लॉबी वर्सेस सरकार का जो एक सिंडिकेट कहीं ना कहीं टकराता है, तो इस टकराहट से बचने के लिए कई बार ऐसे मुद्दों पे मौन धारण करना जो है ये गंभीर। विपक्ष भी मौन धारण किए हुए भाई, विपक्ष भी मौन धारण किए हुए भाई, हम तो जाते विपक्ष भी रोड पर आए। गौरव भाई, मैं तो विपक्ष का ही हूँ, मैं तो लगातार बोल रहा हूँ, डिबेट में बोलने कोई मतलब नहीं ना बेबी भाई। नहीं नहीं, डिबेट नहीं, लो गौरव भाई आप अपने ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। भाई मैं तो मुद्दा उठा रहा हूँ ना, मैं तो मुद्दा उठा रहा हूँ, वही ला रहा हूँ। डिबेट केवल और केवल राजनीतिक दलों के वर्चस्व की जंग नहीं, डिबेट एक ऐसा संवाद स्थल है, माध्यम है कि आप लोग हमें मंच देते हैं मुद्दों को जनता के। भाई भाई मैं कह रहा हूँ कि कुछ संघर्ष अब धरातल पे हो जाए, अगर इन अधिकार हम मुद्दे रखते हैं, हम राजनीतिक मुद्दे रखते हैं, हम संघर्ष करते हैं सत्ता के लिए, संघर्ष करते हैं चुनाव के लिए, थोड़ा संघर्ष इसके लिए भी हो जाए, थोड़ा पत्र इसके लिए भी जारी हो जाए और थोड़ा धरातलीय जो है संघर्ष हो जाए तो बेहतर रहेगा। शायद कुछ सरकार चेत जाए, अधिकारी दंडित किए जाए।
जी मैं जवाब दूंगा। देखिए संघर्ष की बात जहां तक है, जब मुद्दे आपके सामने हैं, गैर जिम्मेदार अधिकारियों का एक सिंडिकेट पनप रहा है, तो कार्यवाही सरकार को करनी है, मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए। अब जमीनी एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ब्रिजेश पाठक जी, ब्रिजेश पाठक जी ने स्वयं इतने भ्रष्टाचार उजागर कर दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए अधिकारियों का सिंडिकेट कितना तगड़ा नेटवर्क है इनका, कि चाह कर भी ये किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, ना किसी को बर्खास्त कर सकते हैं, ना किसी से रिकवरी वारंट इश्यू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आप सेवा में रहकर भी, प्रशासनिक सेवा में रहकर भी अगर आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करें, तो आप सुविधाएं किस बात की ले रहे हैं, सैलरी किस बात की? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरा सवाल ये है, मैं तो सवाल नहीं, मैं तो ये सुझाव दे रहा हूँ, आप 5 अधिकारियों को अभी सस्पेंड करके बर्खास्त करिए, सीधे सस्पेंड करिए, बर्खास्त करिए सीधे, और उसके बाद देखिए सारे अधिकारी राइट टाइम हो जाएंगे, सब समय से कार्यालय भी पहुंचेंगे, और आधे, और मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, आधे से अधिक अधिकारी तो ऐसे हैं जो घरों से बैठ करके वो तो अधिकारी कर्मचारी उनके वो तो कार्यालय तक भी नहीं आते। आप आज जांच करवा लीजिए, गौरव भाई चुनौती दे रहा हूँ, दूसरी कार्यकाल की सरकार है, आप पिछले 5 साल की मात्र जितने पीसीएस आईपीएस और उनके नौकर फॉलोअर उनकी बीवियों के एनजीओ है, आप ईडी से इनकी जांच करवा लीजिए। अच्छा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आधे से ज्यादा जो मार्केट से 2000 की नोटें गायब है, कहीं ना कहीं काले धन के रूप में संरक्षित हो चुकी है इनके पास। अच्छा, ये कागजों पे सरकारें वास्तव में सत्य है कि बजट तो पास करती है, लेकिन ये बजट जमीनी स्तर पे दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल, उसका कारण ये है कि बजट बीच में मैनेज हो जाता है, उस बजट का हिस्सा कुछ लोगों में लाभ के लिए दे करके पूरा बजट अंदर समेट लिया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, हमारे साथ प्रवक्ता हमारी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी जी बैठे। तकी भाई, भाई बहुत अच्छी सरकार, तीसरी बार वहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला, पर पराली जहाँ भी जल रही है प्रबंधन नहीं कर पाए केजरीवाल जी, यमुना भी इस समय साफ नहीं हो पाई है, वो बारा भी अधूरा रह गया, पराली भी जल रही है, तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, कुछ बेहतर प्रबंधन कर लेते, तमाम नीति लेके, तमाम बड़े ऐतिहासिक कदम आपने उठाए हैं, प्रदूषण में दिल्ली का नाम हो चुका है, स्कूल बंद कर दिए हैं, कोरोना जैसी स्थिति आ रही है, तो मेरे ख्याल से कि आप कैसे अपने आप को बताएंगे कि हाँ बेहतर सरकार चला रहे हैं? देखिए, मेरी आवाज इको कर रही है। जी बिल्कुल, आवाज इको कर रही है, इनकी सही करिए भाई। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए, किसी भी बीमारी में दो चीजें होती हैं, एक होती है डायग्नोसिस, अच्छा, एक होती है प्रोग्नोसिस। अच्छा, प्रोग्नोसिस मतलब होता है कि अगर आदमी बीमार है तो क्यों बीमार है, उसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, और वो क्या बार बार बीमार पड़ सकता है, उसको खोजना प्रोग्नोसिस होती है। अच्छा, क्या है और फिर ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ जो देश के अंदर प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस दोनों बहुत वीक है। अच्छा, हम समझ नहीं पा रहे समस्या के पीछे क्या वजह है। अच्छा, पिछले कई साल से लगातार ये हो रहा है कि सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का पैटर्न है, दिल्ली है, दिल्ली की जिम्मेदारी डाल के अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी डाल के इस जिम्मेदारी का असल का जो समाधान नहीं निकलेगा। ठीक है, मेरी आवाज बहुत इको कर रही है, आप ही की आवाज मिक्स हो रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तकी भाई की आवाज सही किया जाए भाई, इको आ रही भाई। जी बड़ी तकी भाई, दूसरी बात ये कि ये बात ठीक है कि दिल्ली में प्रदूषण है, लेकिन दिल्ली के पूरा दिल्ली अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक हिस्से के दिल्ली के चीफ मुख्यमंत्री है, बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के पास भी है, भी है, नगर महापालिका उसके पास भी है, और वहां पे और भी मिनिस्टर्स हैं, कैंट एरिया भी है, तो पूरा दिल्ली अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के जिम्मेदार नहीं है, तो राज्यपाल का हस्तक्षेप भी कर दिया उन्होंने संशोधन करके बिल बना के पारित करके, इस बार जी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के ऊपर डालना सही नहीं, लेकिन अगर आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार आदमी है, पढ़े लिखे निश्चित आदमी है, तो इस बात का स्वागत करते हैं, हम तो बात करने को तैयार हैं, सरकार से नीति बनाने को कई बार से लगातार कह रहे हैं, सरकार नेशनल लेवल पे एक नीति बनाए जिसको प्रदूषण को कंट्रोल कैसे करना है, नदियों के ऊपर जो नाले में प्रदूषण आ रहा है, नीति बनती कहाँ पर? यहाँ तो चर्चा होती है, अभी खत्म हो जाएगी शीतकाल के बाद, इसमें खत्म हो जाएगा, फिर अगले साल देखा जाएगा। जी गौरव भाई, मैंने ही आपसे पिछली बार कहा था कि आप डेंगू पे डिबेट रखिए, कहा था नहीं आपसे, लेकिन दिवाली की व्यवस्था की वजह से डिबेट नहीं हो पाए किसी कारणवश, और मैं रोज 2-3 डिबेट में बैठता हूँ, आप भी देखते होंगे, और पिछले 30 दिन से लगातार डेंगू का चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, सिर्फ 3 चैनल ने जिसमें एक आपका चैनल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, क्या वो साहसिक चैनल है जो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, सिर्फ 3 न्यूज चैनल पे डेंगू पे बहस हुई है, और 2 पे तो मैंने कहा है कि आप डिबेट करिए, इसके बाद बहस हुई डेंगू के ऊपर। आज की डेट में सरकार जो व्यवस्था उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जी बिल्कुल, हमारे जब से बीजेपी सरकार आई है, मैं
या भारतीय जनता पार्टी है, उससे व्यक्ति ज्यादा बड़ा हो गया, व्यवस्था छोटी हो गई। जब किसी व्यक्ति को बड़ा करेंगे, उसको हीरो बनाएंगे, उसको बहुत बड़ा नेता बनाएंगे और व्यवस्था को छोटा करेंगे, तो देश को समस्याएं देखनी पड़ेगी। हम व्यवस्थाओं पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है पूरे साल एक कैलेंडर होता है, जनवरी फरवरी मार्च 12 महीने का। जनवरी में देश में ये होता है, फरवरी में देश में ये होता है, मार्च में ये होता है, अप्रैल में ये होता है, मई जून में गर्मी होती है, बाद में बाढ़ आती है, फिर डेंगू होता है, फिर जाड़े आते हैं। तो ये सारा कैलेंडर है पूरे साल का, जी हम भी देख रहे हैं जी। ये कई पिछले कई साल से लगातार होता जा रहा है। तो केंद्र सरकार जो इसको देख रही है, केंद्र सरकार पूरे भारत की सरकार है, वो देश को लेके प्लान बनाए, उनको बताए कि क्या करना, और उनकी सहभागिता से इसका जवाब निकल सकता है। आप देखिए दिल्ली के अंदर प्रदूषण के बहुत सारे कारण है, और पंजाब में परोली जल रही है। पंजाब में परोली क्यों जल रही है? क्योंकि जो फसल है, धान की फसल, आज मशीनें आ गई जो चावल को निकाल लेती है, गेहूं को निकाल लेती है, और जो फसल को ऐसे छोड़ देती है, और किसानों को फौरन धान की फसल के बाद गेहूं की बुआई करनी होती है, तो उनके पास सिर्फ 15 दिन बचते हैं। 15 दिन उसको काटे लपेटे, तो उनको लगता है मास्टर की तीली लगाना आसान है इस सब कटाई छटाई करने से, तो उसमें लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उसके अंदर पैसा बहुत लगेगा किसानों का। तो किसान चाहता है सस्ता यही कि माचिस की तीली लगा दो, इसमें जो है परूली जल जाएगी, बहुत सारे जो है जो जान कीट है वो जल जाएंगे, और ये जो खुराक है ये खाद के रूप में काम आ जाएगी, तो किसान इसलिए आग लगा रहा है। अब जरूरत है, पंजाब में भी पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, मोहन भागवत की जिम्मेदारी है, मैं इस बात को मानता हूँ, और उनको भी आए 6 महीने हुए, लेकिन इस बात को हम पूरी गंभीरता पूर्वक पंजाब में करेंगे। और अब जहाँ जहाँ भी गुरुद्वारे हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सिख धर्म का बड़ा महत्व है और गुरुद्वारों की लोग बात बहुत सुनते हैं, तो आम आदमी पार्टी गुरुद्वारों के जरिए वहाँ किसानों को अवेयर करेगी। अपील करनी पड़ेगी आपको, एक साल का समय चाहिए अभी, एक साल की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो जी ताकि भाई बोलिए। हम कह रहे हैं एक साल का समय, अब देखा मोहन भागवत ने और अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने एक साल का समय मांगा था कि पंजाब में हम एक साल के बाद जब बैठ के बात करेंगे तो परोली जलाने की समस्या नहीं होगी। और परोली से पंजाब में नहीं जलती, परोली जलती है हरियाणा में भी। अच्छा। परोली जलती है उत्तर प्रदेश में भी, जी। तो ये सारे राज्यों पूरे नॉर्थ इंडिया में, अगर आपको लास्ट ईयर का आंकड़ा याद हो, लास्ट गौर जी की लाइन बोलता, लास्ट एक तालिका आई थी जिसमें भारत के सबसे 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों का नाम था। कमी आई है पंजाब में पराली, उसमें दिल्ली का नाम नहीं था, लेकिन उसके अंदर उत्तर प्रदेश के कई शहरों का नाम था। आप गोरखपुर का नाम था उसके अंदर वाराणसी का नाम था, उसके अंदर कानपुर का नाम था, उसके अंदर हरियाणा के फरीदाबाद का नाम था, गुड़गांव का नाम था, तो भाई हमें बहुत सारे शहरों का नाम था। हमें राजनीति नहीं चाहिए ना तकी भाई, मुझे तो ये चाहिए कि भाई जहाँ जहाँ सरकार जिम्मेदारी ले अपनी अपनी, सरकार बना क्यों बैठी वहाँ पर भाई, जिम्मेदारी ले वहाँ पर, जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदारी ले। और डेंगू, देखिए डेंगू के अंदर हमें समझना है, सब जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी जिम्मेदार है जो वहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल जिम्मेदार है। डेंगू से लड़ने के दो तरीके, डेंगू से लड़ने का एक तरीका ये कि आप पब्लिक को अवेयर करें, पब्लिक को बताएं डेंगू कैसे होता है। अरे तो जहाँ पानी भरा हुआ है वहां पर लार्वा छिड़काव और फॉगिंग कौन कराएगा? ये भी पब्लिक करेगी क्या? आपको टैक्स काहे के लिए देगी? टैक्स क्यों देगी भाई आपको, जगह पब्लिक ये भी कर लेगी तो। अरे लेकिन जो घरों के अंदर खुला पानी रखा हुआ है, जो पानी की टंकियां खुली रखी हुई है, जुर्माना लगाइए, उसको बंद करिए। देखिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में संडे संडे रविवार रविवार डेंगू से लड़ाई का प्रोग्राम जी लगातार उन्होंने जनता को बताया कि आपको क्या करना है। तो डेंगू का जो मच्छर होता है उसकी फ्लाइट छोटी होती है। अच्छा। वो दिन में काटता है। अच्छा। वो इतना ऊंचा उड़ नहीं पाता, इतनी दूर नहीं जा पाता, जिसका मतलब डेंगू कहीं पे है तो उसका लार्वा आसपास ही कहीं बहुत दूर से नहीं आया है। अच्छा। अगर मेरे मोहल्ले के अंदर सराय माली खां के अंदर या चौपटियों में चौक के अंदर या ठाकुरगंज में कहीं डेंगू हो रहा है तो उसका मतलब डेंगू का लार्वा आसपास ही घरों में है कहीं। नहीं आया विवेक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके लिए जनता को बताना बहुत जरूरी है। ठीक है विवेक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कार्यक्रम बनाया जाए सही से, ताकि हर क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया जाए। क्या है हर साल 2-3 महीने पंजाब में जी, विवेक भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल जी लगातार आरोप लगाते रहे जी कि हमारी सरकार आएगी तो पंजाब में पराली जलाना बंद करा देंगे। परिणाम ये हुआ कि पंजाब में पहले से ज्यादा पराली जल रही है। और ये इनसे जब पूछा जाता तो ये उत्तर भारत और सब जगह की बात का नाम ले लेने लगते हैं। विषय ये है कि जो क्षेत्र आपके पास आया आप उसमें क्या किया? बंद कर देंगे आप, थोड़ा समय दिए एक साल और वहाँ पे पराली पहले से ज्यादा जल रही है।
लेकिन जो स्थिति है इन्होंने घोल बनाया कुछ लाख उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ली है करने के लिए 22 करोड़ रुपया उसके विज्ञापन पे खर्चा कर दिया तो ये विज्ञापन करने वाली सरकार है ये कोई काम करने वाले लोग नहीं है इनसे कुछ पूछेंगे किसी और के गृहमान की तरफ इशारा कर देंगे अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग हैं ये इन्हें अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान ही नहीं है गौरव भाई उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने ई रिक्शा को लेके ई व्हीकल को लेके पॉलिसी बनाई वो जनवरी से लागू होगी जनवरी 2023 से लेकिन अरविंद केजरीवाल एक साल पहले डेढ़ साल पहले ई बाइक को लेके ई व्हीकल को लेके परिणाम क्या मिल रहा है परिणाम क्या मिल रहा है उस पॉलिसी क्या करेगा जनता क्या मतलब उस पॉलिसी से भाई देखिए पॉलिसी हमने हमने एक पॉलिसी बनाई थी उसमें जिसके अंदर राज्यपाल ने उस पॉलिसी को रोक दिया उस पर साइन नहीं कर रहे तो जो भी हम राज्यपाल नहीं रोक रहा पॉलिसी उसमें राजपाल अंगा लगा देते हैं बदला ले रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने सरकार दिल्ली में फेल है 8 साल से अरविंद केजरीवाल की कौन सी पॉलिसी है पूरे देश में अरे आप तो पूरे नॉर्थ इंडिया में कामयाब है आपकी कामयाबी का भ्रष्टाचार का बादल पूरे नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का बादल चंद्रशेखर लिखने की चिट्ठी भेज रहा है सुरेश चंद्रशेखर का बढ़ रहा है भ्रष्टाचार का बादल पे सुरेश चंद्रशेखर की चिट्ठी आ रही है फॉरन हाउस 50 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने लिया सत्येंद्र जैन ने किस बात का पैसा लिया सब बता रहे सुरेश चंद्रशेखर आपके भ्रष्टाचार कच्चा शिक्षा तो आ रहा रोज भाई की बात सुरेश चंद्रशेखर कुछ बोल रहे हैं आप विवेक बोलिए विवेक भाई आपकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सुरेश चंद्रशेखर रोज जारी कर रहे हैं जी कहा फार्म हाउस पर अरविंद केजरीवाल ने 50 करोड़ रुपए लिए सत्येंद्र जैन से कैसे मुलाकात हुई वो सर्टिफिकेट दे रहे सुरेश चंद्रशेखर आम आदमी पार्टी को जाके लेते क्यों नहीं सबको भ्रष्टाचार बताते दिए क्या है सारे नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते लगाते कोर्ट में माफी मांगते मांगते कहां पहुंच गई आम आदमी पार्टी कि देश का महाठग सर्टिफिकेट दे रहा है आपको ठगी का यही है आम आदमी पार्टी का करेक्टर देखिए जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलना शुरू करते हैं मुझे लगता है किसी ने कार्टून नेटवर्क ऑन कर दिया अच्छा सिवाय हंसने के हंसी के जिस तरह की बातें कर रहे हैं इनका भाषा ज्ञान है गौरव जी इससे ज्यादा इनका भाषा ज्ञान है ही नहीं है अभी कुछ देर में गाली गलौज उतर आएंगे चंद्रशेखर जो महाठग है यही इनका भाषा ज्ञान है सुरेश चंद्रशेखर से जाके सर्टिफिकेट क्यों नहीं ले आते जाके कुछ नहीं हो तो आप भी ले लो जाके चंद्रशेखर के चरणों में पूरी अरविंद केजरीवाल ले लिया सत्येंद्र जैन ले लिया कुछ बचा आप लेते हो जाके गुजरात आम आदमी पार्टी हार रही है दिल्ली में हार रही है गौरव भाई बड़े ध्यान से सुन रहा था आप भी सुन रहे हैं जी डिबेट का विषय जो था वो कहीं ना कहीं वही चलता है अपना महिमा मंडन हो गया होगा जी बताइए लेकिन मैं दोनों ही पार्टी राजनीतिक दलों के लिए एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहूंगा चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो जी। पलवल में एक किसान ने 15 एकड़ की गेहूं की फसल कंबाइन मशीन से कटवाई और इसके बाद गेहूं की पराली को रीपर द्वारा भूसा बनाकर बोरे में भर दिया 15 एकड़ से निकला भूसा 2,25,000 में बिका और रीपर का खर्चा मात्र 22,500 रुपए आया तो आप ये समझिए कि अगर पराली से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो ये जो रिपर करने वाली जो टेक्निक है इसके बारे में बल्कि पराली जलाने वाले किसान या जिस क्षेत्र में ज्यादा जलाई जाती है वहां पे इस तरह की मशीनों को उपलब्ध करवाते हुए किसानों को जागरूक करवाते हुए जिस दिन गेहूं का उसका वो कटाई हो उसी दिन उनकी पराली को ट्रैक्टर लगवा के लदवा करके मंगवा लिया जाए और सरकार चाहे तो सरकार जो कृषक क्षेत्र में इस तरीके से जागरूकता पैदा करके पराली जनित प्रदूषणों को कम करने में अपनी संस्थाओं का उपयोग करे लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है जब बात समाधान की आएगी तो दिल्ली के चुनाव और गुजरात के चुनाव मुद्दा कहीं और यही हाल अधिकारियों का है
वो भी राजनीतिक दलों की मानसिकता में बटे हुए हैं। अच्छा। वो अपने उद्देश्य को छोड़ करके प्रदूषण में काम नहीं कर रहे हैं, वो सरकार किसकी बनेगी उसमें ज्यादा लीन है। मेरा एक सुझाव ये है, मेरा ये सुझाव है, जब एक किसान पलवल का इस तरीके से लाभ ले सकता है तो हमारे आपके किसान क्यों नहीं ले सकते? दिल्ली क्यों चाहे पराली हर बार निकलेगी, दूसरी बार निकलेगी जी। दूसरी बार ये आपको समझना पड़ेगा कि ये सरकारों का विषय नहीं है, ये आम जनमानस के जागरूकता से जुड़ा विषय है जी। आपको खेती से जुड़े विषयों के मामले में, प्रदूषण से जुड़े विषयों के मामले में, एनजीटी के अंदर दायरे में आने वाले जितने भी विषय है उन सभी पे अधिकारियों को सक्रिय करना पड़ेगा। और जब तक ये अधिकारी सोएंगे यकीन मानिए लोक भवन से आदेश जारी होंगे और जमीन पे किसान पराली जलाता रहेगा। अच्छा, तो लोक भवन से आने जारी होते क्या जलाने के? भाई भाई मॉनिटरिंग तो लोक भवन से ही होती है। अच्छा भाई, लोक भवन तो आदेश जारी करता है कि जाके किसानों की मदद करिए, बजट पास कर देता है। अच्छा, लेकिन अधिकारी जो बीच में सिंडिकेट में बैठ करके घपला करते हैं, गोलमाल करते हैं, वो योजनाएं जमीन पे कहां पहुंच रही है? तो किसान तो बेचारा पराली ही जलाना जानता है, वो पराली जलाएगा। उसको जागरूक करना, उस तरह की सुविधाएं देना कि उसका वो खाद परिवर्तित कर सके उस पराली को, ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव आपकी कुछ बात का जवाब दे रहे थे। विवेक भाई, विवेक देखिए होता क्या है गौरव जी, सरकार खूब चाहती है कि पराली ना जलाई जाए, अधिकारियों की ढिलाई से ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। दुखद ये हो जाता है कि जो दिल्ली में इन्होंने घोल बनाया कुछ लाख रुपए का डिकम्पोज के लिए, उसके विज्ञापन पे 22 करोड़ रुपए फूंक डाले। अच्छा, तो किसान को वो घोल समय से उपलब्ध नहीं करा रहे हैं जी। पंजाब में पिछले बार से ज्यादा पराली जलाई जा रही जी, है बिल्कुल जलाई जा रही है। हरियाणा में 20% कम हुई है पराली जलाने का परसेंटेज। इसी तरह से यूपी के भी आंकड़ों में कमी आई है। मेरा फिर भी कहना है कि पराली अगर सरकार चाह ले तो पराली जलाने की नौबत ना आए, कंबाइन मशीनें बिना भूसा मशीन के अलाउड की जाए। अगर भूसा बन जाएगा तो पराली जलाने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दिक्कतें ये हैं कि सरकारों के पास इच्छा शक्ति रही है। केजरीवाल जी खूब पीठ थपथपाते रहे अपनी, लाख रुपए का घोल बनवाया, 22 करोड़ रुपए उसके प्रचार में खर्चा किया है। अच्छा, वो पिछले बार से ज्यादा पंजाब में पराली जलाई जा रही है। बेशर्मी से टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि हाँ पराली जलाई जा रही है, मैं इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अब उस पोल्यूशन की, उस पोल्यूशन से मरने वालों की, उस पोल्यूशन से इफेक्टेड होने वालों की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब मैं कहता हूँ सुकेश चंद्रशेखर से जो पैसा लिए हो उसका सर्टिफिकेट सुकेश चंद्रशेखर जारी कर जाओ, वो भी ले लो, वो जिम्मेदारी लेने में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत प्यारा लगता है आपका, फेवरेट है सुकेश चंद्रशेखर, बहुत गहरा नाता है आपका। हमारा फेवरेट नहीं है, फेवरेट तो आपका है, पूरी बीजेपी उसके चरणों में आके बैठ गई है। फेवरेट तो आपका है, बताओ ना किस फार्म हाउस पे 50 करोड़ ले लिया है। चले ठीक है, विवेक शर्मा जी देखिए, जो आप विवेक भाई जवाब, विवेक भाई की जवाब, तक भाई आप जवाब देता हूं। मैंने जवाब ही नहीं दिया अभी। वो बोलिए बोलिए, आप जल्दी जल्दी बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ अभी जो आपके सोशल एक्टिव जो बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, हमने 1 लाख से आसपास मशीनें पिको कर रहे हैं और गांव में लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। उसके बाद हम वहां पे एक प्लांट लगा रहे हैं जिससे बायोफ्यूल बनाया जा सके और उससे बिजली पैदा की जा सके। और पंजाब में बिजली का 8 साल से बिजली पैदा हो रही है, जब 6 महीने अभी आम आदमी पार्टी को 8 साल से बिजली पैदा हो रही है, 5 साल और 5 साल से बोल रहे हैं, 8 साल से बिजली पैदा कर रहे दिल्ली में, दिल्ली में 8 साल से बिजली पैदा कर रहे हैं गौरव जी, अभी तक नहीं पैदा हुई। अरे इनका समान कह रहे हैं, उत्तर भारत में तमाम कारों की स्थिति खराब हो रही है, अभी तक पंजाब के कारण दिल्ली की आबोहवा खराब थी, अब उत्तर भारत के शहरों के कारण खराब हो रही है, ये इनके बयान है। मुझे ऐसी समझ में नहीं आती है कि हवा यूपी से पंजाब की तरफ चलती है, पंजाब से यूपी तरफ आती है, समझ नहीं पा रहा। मुझे ऐसी समझ में नहीं आ रही है कि हवा पंजाब से यूपी तक चलती है, यूपी से पंजाब की तरफ जाती है। बेबी पांडे केजरीवाल आप पता है उधर चला दे, मुझे समझ में नहीं आती है, केजरीवाल जिधर चाहे उधर चला दे। क्योंकि अभी मैंने कुछ समय पहले, बेबी भाई अभी मैंने कुछ समय पहले यमुना का मुद्दा उठाया था, तो हमसे भी कहा गया था कि यूपी में यमुना जी गंदी हो जाती हैं, तो समझ में नहीं आया कि दिल्ली से आ रही है कि यूपी से वापस आ रही है। गौरव भाई ये बात समझनी पड़ेगी जी,
कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी इतना बढ़िया काम कर रही होती तो हाईकोर्ट फटकार क्यों लगाती। अडानी को जो टीसीपी प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उसमें एक तय मानक से ऊपर गंगा गंदी होगी तो वो प्लांट साफ सफाई करने की जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं, और उसके बावजूद इस कंडीशन पे उनको ठेका दे दिया गया हजारों करोड़ के टेंडर का। तो जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई अगर उसको आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वही फटकार काफी थी योगी सरकार को सफेद होने के लिए। पांडे जी यहाँ पर ठेका तो घड़ी कंपनी को दे दिया जाता है, उस ठेके की बात हम ना करें। फिर आप विवेक शर्मा जी का जवाब दीजिए। विवेक शर्मा जी बताइए, 2 करोड़ में 16 लाख खर्चा किया उसने। जो गंगा सफाई का मुद्दा चल रहा है, जी सफाई कितनी कराई गई जी, ये तो अभी आंकड़े बताएंगे हम लोग। तो देखिए हम तो समाज से भी हैं, हम तो केवल अपने लखनऊ की बात करेंगे। जो इस समय पर जो माहौल चल रहा है उसके परिपेक्ष में विवेक श्रीवास्तव से मैं निवेदन करूंगा कि ये सरकार तक बात पहुंचाएं। सरकारी जितने भी अधिकारी हैं पलीता लगाने पर तैयार बैठे हैं और प्रतिदिन लगाया जा रहा है जी। और आपके कोई भी कार्यकर्ता चाहे वो भाजपा का हो या समाज सेवी भाजपाई, कोई भी इस मुद्दे को नहीं उठाता। बार बार लोगों को अपना काम छोड़कर इन बातों को लेकर चलना पड़ता है क्योंकि परिवारों को हम लोग देख रहे हैं कि किसी को दमे की परेशानी आ रही है, कोई डेंगू में पड़ा है, कोई चिकनगुनिया का प्रॉब्लम है। तो कम से कम अधिकारी अपनी यहाँ पर जिम्मेदारियों को समझते हुए प्रतिदिन, जो अभी कहा गया था योगी जी ने भी कहा था कि प्रतिदिन 2 बार यहाँ पे फॉगिंग होगी, 2 की जगह 1 ही बार करवा दें, दिन में किसी भी टाइम करा दें, एंटी लार्वा का छिड़काव करा दें, जहाँ गंदा पड़ा हुआ है वहां पर सफाई करा दें, क्योंकि सारी चीजों में फेलुअर हो रही है। अच्छा। अभी विवेक पांडे जी ने कहा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम यही 2 जिम्मेदार विभाग है। लखनऊ विकास प्राधिकरण तो ऐसी जिम्मेदारी निभाता है जैसे लेवाना कांड में निभाई, एक भी अधिकारी के ऊपर किसी को भी नहीं हटाया गया, केवल जांच चल रही है जी। समस्या ये है ना, जांच चलती है जांचें चलती हैं, जब जगह चलती है, जब घटना हो जाती है तो जांच चलती है और सभी सरकार चलती है, सरकार आपको भी पकड़ लीजिए। और एक चीज जगह चलती है, मैं एक चीज और बताऊं सर कि अभी आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग जी, ये जो कुशीनगर वाला एक मुद्दा था जिसमें घायल आदमी का मुंह चाट रहा था, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी था जी या क्या था मैं नहीं समझ पाया, एक कुत्ता मुंह चाट रहा था जी। तो ये मैंने भी ट्वीट किया था कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुंह चाट रहे हैं, घायल पड़ा हुआ है, ध्यान नहीं दिया जा रहा जी। हमारे ब्रजेश पाठक जी लगातार इस चीज का प्रचार प्रसार रोज हो रहा है कि वो जा रहे हैं छापा मार रहे हैं, लेकिन कार्रवाई क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है भाई, ये कौन सी बात सर, हम प्रचार प्रसार की बात यही तो कर रहे हैं कि हमको जो दिखाई देता है कि वहां पर गए, कार्रवाई क्या हुई जी, कितने लोगों को वहां से हटाया गया, ये बात किसकी जिम्मेदारी तय की गई जी। बिल्कुल, केवल खाना पूर्ति लेटरबाजी देने से कुछ नहीं कि उसके ऊपर जांच होगी, जांच बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही क्यों नहीं अभी तक ये किया जा रहा है जी। तो बस ये अनुरोध है कि जो हमारे लखनऊ की हालत हो रही है विवेक जी, जी विवेक श्रीवास्तव जी मैं आपसे कहूंगा क्योंकि इस समय सत्ताधारी पार्टी आप ही हैं हमारी, और लोगों को बचा लीजिए, एक तो ये आपका प्रदूषण से और जो डेंगू चल रहा है जी उससे लोगों को बचाइए। ठीक है, तकी भाई अपनी बात पूरी करिए, खत्म कर दो चर्चा को, तकी भाई जल्दी बोलिए। देखिए सरकार की जो बड़ी लापरवाही, सरकार अलर्ट नहीं हो पा रही है, पिछली बार भी मैंने आज से 20 दिन पहले मैंने ये बात कही थी और मैंने कहा था क्योंकि इस बार जो दिवाली जल्दी आ गई है जी और ठंड लेट शुरू होगी तो ये जो एपिसोड चल रहा है डेंगू का ये और लंबा होगा। अच्छा। लेकिन मेरी बात को काटा गया, कहा गया नहीं ये दिवाली के बाद जो है दिशा ठंड पड़ेगी तो डेंगू खत्म हो जाएगा, लेकिन दिवाली बीते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं और हम अभी भी देख रहे हैं कि डेंगू का पकड़ लगातार चल रहा है। तो सरकार के अंदर जो है सरकार चीजों को सही समझ नहीं पाती, उसको समझ नहीं आता कि समस्या क्या है, दिल्ली में केजरीवाल समझ नहीं पाते हैं, 8 साल से बना रहे हैं, एक ही सुनिए तो आप लोग परेशान है भाई, दिवाली लोगों खराब हो गई। अच्छा। जब दिवाली आप लोग बना रहे थे बहुत से लोग अस्पतालों में एडमिट थे उनके रिलेटिव, वो दिवाली नहीं मना पा रहे थे, वो बेचारे मिठाई नहीं खा पाए। अच्छा, उसको संवेदनशीलता दिखाइए लोगों के प्रति, लोग परेशान होते हैं, लोगों घरों के बर्तन बिक रहे हैं, लोगों के जेवर बदले इलाज में। चले ठीक है आप सभी मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा थी 2 ग्रहण की, 2 ग्रहण यानी एक डेंगू दूसरा प्रदूषण, वो आपके स्वास्थ्य पर लगातार ग्रहण लगा रहे हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि जब चर्चा होती है तो चर्चा कहीं और चली जाती है। समस्या यहाँ पर यह होती है कि जो प्रतिनिधि हर बार में उतारे जाते हैं, जिनको जिम्मेदारी मिलती है, वो काम नहीं करते और उन्हीं काम ना करने के चलते अधिकारी भी नाकाम हो जाते हैं
और लापरवाह हो जाते हैं। जब उनको लगता है कि जनता के प्रतिनिधि जब रुचि नहीं ले रहे हैं तो हमारे रुचि से होना क्या है। सरकार योजना बनाती है, निर्देश देती है, पर काम धरातल पर होता है, और जब धरातल पर काम नहीं होता है तो ऐसे ही मामले आते हैं जैसे डेंगू के हैं और प्रदूषण के हैं। एक्यूआई बढ़ता रहेगा, डेंगू बढ़ते रहेंगे और खामियाजा भुगतेगी आम जनता। पर यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव आ चुके हैं और दिल्ली में भी MCD चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर परखिए और जानिए आपका सही आदमी कौन है जो आपके लिए, आपको जान से बचाने के लिए लड़ता रहा है, संघर्ष करता रहा है, जो आपकी समस्याओं के लिए लड़ा है, आपके लिए आया है, उसको ही चुनना है। यहाँ पर बिरादरी, यहाँ पर पार्टी को देख के अगर आप चुनाव करेंगे तो हमेशा ऐसे ही ग्रहण से प्रभावित होते रहेंगे। अगर चाहते हैं कि वास्तव में देश में कुछ बदलाव हो, कुछ विकास हो, तो यहाँ पर जनता जनार्दन का जो नाम है उसका सही साबित करिए, तभी कुछ बदलाव होगा और विकास होगा। नहीं तो डेंगू का डंक और प्रदूषण का गहन आपको हर साल झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब शायद ये देश की नियति बन चुकी है। सरकार की नाकामी जनता हमेशा भुगतती आई है। तो आज की चर्चा में इतना ही। मुझे यानी गौरव श्रीवास्तव को डीएनटी नमस्कार। आप देख रहे हैं।